हर खबर से बाखबर, हमारी ये हर खबर पर नजर। एशियन टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें ढूंढने पर एक आधा अच्छा इंसान भी मिल जाता है। एक ऐसे माहौल में जबकि इंसान पैसों के लिए अपने रिश्ते नातों को कुर्बान करता हुआ नजर आता है, वहीं शहर हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके चंदनगुट्टा के रहने वाले खिदमत खल्क एसोसिएशन प्रेसिडेंट सैयदा नाहिदा खादरी पिछले 8 महीने से नीलोफर और कैंसर हॉस्पिटल के पास खिदमत खल्क एसोसिएशन की तरफ से गरीब और गुरबा और मजबूर लोगों को खाना खिला रहे हैं। और अब सैयदा नाहिदा खादरी को ऊपर वाले की जानिब से इतनी तरक्की मिल ही गई है कि वो पिछले 1 महीने से फातिमा ओल्ड एज होम में भी सैयदा नाहिदा खादरी और खिदमत खल्क एसोसिएशन की तरफ से लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा है और वो दूसरों को भी इस नेक काम में शरीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे गरीब का पेट भर जाएगा, साथ में ढेर सारी दुआएं भी आपको मुफ्त में मिल जाएगी। एशियन टीवी न्यूज के नुमाइंदे शेख शाहिद से बातचीत करते हुए सैयदा नाहिदा खादरी ने बताया। शेख शाहिद के साथ मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खादरी, खिदमत खल्क एसोसिएशन की प्रेसिडेंट। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम फातिमा ओल्ड एज होम आए हैं, जहाँ पर माशाल्लाह फातिमा नाम बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पर हम ये ओल्ड एज होम में हमारे खिदमत खल्क एसोसिएशन की तरफ से आज पीर का दिन है, 12 नवंबर है, आज के दिन इन लोगों ने यहाँ पर खाने का इंतजाम किया था। तो मैं और मेरे साथ मेरी टीम यहाँ पर आई हुई है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन जो मिस हो गए, जैसे कि गुम गए हैं, लेकिन उसके बाद कभी उनके घर वाले उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करें, उनकी औलाद नॉन रिश्तेदार उन्हें ढूंढने की तक कोशिश नहीं करें। बेचारे अभी तक वो यहीं पर ओल्ड एज होम में पड़े हुए हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिनकी औलाद शायद उनकी फिक्र नहीं करते हुए उन्हें यहाँ पर इस हाल में यहाँ पर छोड़ कर चले गई। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कोई रिश्तेदार ही नहीं है दुनिया में, वैसे भी यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और जो वो औलाद बदनसीब है, वो औलाद मैं ये समझती हूँ कि वो बदनसीब है जो ऐसे अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सक रहे हैं, जो ऐसे हाल में उनको इस मुसीबत में यहाँ पर छोड़कर जो आज ऐसे आराम में रह रहे हैं, अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते हुए वो लोग आज अपनी ज़िंदगी का सोच रहे हैं, अपने आराम का सोच रहे हैं। आज उनके माँ बाप यहाँ पर किस हाल में रह रहे हैं, कैसा रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, उनको कोई चीज़ की फिक्र नहीं है। लेकिन मेरी नज़र में इससे बदतरीन और इससे बद अखलाक और इससे बदनसीब औलाद कोई नहीं होगी दुनिया में जो अपने माँ बाप को ऐसी हालत में यहाँ पर छोड़े हैं। तो मैं बस आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि प्लीज़ जितना हो सके अपने माँ बाप की खिदमत करिए, अपने माँ बाप को खुशी दीजिए। इन लोग को सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, बस एक दो टाइम का खाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या चाहिए, सिर्फ एक लोग मोहब्बत के मोहताज है, बस इनको मोहब्बत चाहिए। माँ बाप सिर्फ मोहब्बत के मोहताज होते हैं अपनी औलाद से। आज मैं इनके पास आती हूँ, जब भी देखते हैं आप लोग, ये लोग मुझे पकड़ लेते हैं, इतना खुश होते हैं कि इनसे चलो एक उनको खुशी होती है कि कोई इनसे मिलने के लिए आया। और मुझे तो माशाल्लाह इतने खुश होते हैं मुझसे, ये लोग मुझे लपटाते हैं, रोते हैं, मैं जब भी आती हूँ मुझे बार बार कहते हैं कि आप क्यों नहीं आए, बार बार आओ, डेली आया करो। तो ये लोग भूखे हैं, सिर्फ मोहब्बत के भूखे हैं, खाने के भूखे नहीं हैं ये लोग। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने माँ बाप की इज्जत करिए, अपने माँ बाप को एक मुकाम दीजिए। वो बदनसीब औलाद है जो यहाँ पर इनके माँ बाप को इस तरह से छोड़ी है। तो ये क्या है, हमारे लिए एक सबक है, दुनिया वालों के लिए एक इबरत है ये, जो उन लोगों को देख के आप लोग अपने माँ बाप की कदर करिए। आज ये लोग देखिए कितना रोते हैं मेरे से मिलते टाइम, बेचारे उनकी किसी की तकलीफ है, किसी को पैरों में दर्द है। एक लेडी है जिनका एक हाथ है कि एक पैर को पॉलिश मारा है, वो बेचारी कैसा जी रही होगी सोचिए आप। एक औरत यहाँ पर ऐसी है जिनका बेटा भी पागल है, माँ भी थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम है, माँ भी, वो लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसे कई लोग यहाँ पर हैं। एक बड़ी भी है, नानी माँ है, जिनकी उम्र 90 के अबव है, फिर भी वो भी जिंदा है बेचारी, वो भी अल्लाह के नाम पे जैसा ही है बस रह रही। लेकिन ऐसे टाइम पे उनको अपनी औलाद की खुशी चाहिए था, अपनी औलाद से उनको मोहब्बत चाहिए थी, अपनी औलाद की खिदमत करने का उनको ये टाइम था, लेकिन वो लोग नहीं मिल सकते। प्लीज़ मैं आप तमाम लोगों से एक मैसेज पहुँचाती हूँ कि प्लीज़ अपने माँ बाप की कदर करिए, जितना हो सके अपने माँ बाप को देखिए और उनकी खिदमत करने की कोशिश करिए। खुदा Thank you.
ना मैं आपसे मिलने लिए आई ना मैं उस वाले आते हैं आपसे मिलने चलने नहीं आ रहा कुछ नहीं होता आता सर्दियाँ ज़्यादा है ना सर्दियाँ ज़्यादा है ना सर्दियों ज़्यादा हाँ बैठो आप बैठो गर्म हो खाना खा रहे हाँ अब नहीं खाते हैं नहीं ना नहीं मैं आ रही हूँ आते हैं
खूब सजा हकीकत बना। मलका फर्नीचर फारूक अशरफ के साथ नए दौर में बदलता अंदाज, फर्नीचर जो चले नस्ल दर नस्ल। हैदराबाद का शानदार पायदार मलका फर्नीचर। शहर हैदराबाद में पहली बार मलका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोरियम फर्नीचर के 10 आइटम सिर्फ 15,500 में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ। गोदरेज की हैवी डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है, जल्दी करिए। मलका फर्नीचर, वोल्टा एक्स रोड, मोहनपुरा, हैदराबाद।